मम्मी के लिए डर लग रहा है ना, फिक्र मत करो, तुम्हारी तरफ से हम उन्हें हिम्मत देंगे। और देखना गालिब चुप्र, अपनी ऐसी दुआ गाएंगी कि ऊपर वाले के पास भी उनकी दुआ को कबूल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। वजीर आला जी, शहजादी जी, फरमाइए। दुआ पूरी होने पर माफीनामों का डब्बा नजर नियाज चढ़ाने के चबूतरे पर आप रखेंगे, तो कहीं जाइएगा मत, इधर ही रहिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। मुबारक हो मेरे दोस्त, लगता है आपको जादू चल गया है। अभी तो वो किसी ना किसी बहाने से आपको अपने साथ रहने के लिए कह रही, बस ऐसे ही बनी रही। अब आप अम्मी को देखे, शहजादी और वजीर आला में कितनी अच्छी मोहब्बत है। सफर आज तू कितनी भी चाले चल ले, तू सोन मीनार नहीं पहुंच पाएगा। मेरी अम्मी की सच्ची दुआ के आगे तेरी हर चलाकी बेअसर होगी। आइए खाना। शहजादी मुझे बहुत डर लग रहा है, इतने लोगों के बीच में मैं दुआ कैसे गा सकती हूँ? खाला, दुआ लोगों के आगे नहीं गाई जाती, खुदा के आगे गाई जाती है। और खुदा के सामने ना ही कोई खौफ होता है और ना ही कोई पर्दा। और हम जानते हैं आपने हमसे कहा है कि हम आपकी बेटी जैसी हैं, और आपने हमसे ये भी वादा किया था कि आप आज दुआ गाएंगी। अल्लाह ने मेरे दोनों बेटे मुझसे छीन लिए, पर ये प्यारी सी बेटी दे दी। अल्लाह आपकी हर दुआ कबूल करे। जरूर होगी, क्योंकि हमारी तरफ से आप दुआ करेंगी, हमारी तरफ से भी और अपनी बेटों की तरफ से भी। करेंगी ना खाला? इससे आपकी आवाज पूरे बगदाद में पहुंचेगी। बस हम सोने की अशरफियों की चीखम चीख मकौड़ी, अब मैं तुझे रुखसार का नाम लेके ऐसे परेशान करूंगी कि तू मेरे बदले के साथ उसकी आवाज भी ले लेगी। अम्मी गुल्लू गुल्लू अंदर दरगाह पे तो आप नहीं थी? कहाँ थी अब तक? कहाँ थी, यही तो हूँ। यहाँ कहाँ, मैं तो घर भी गया था, घर पे ताला लगा है। आफरीन है तुझ पे गुल्लू, कुछ काम था बाजार गई थी, बोल क्या है। और वो आपके खिजा के फूल, वो कहाँ है? मतलब मेरे अब्बू, वो कहाँ है? एक हाथ दे और दूसरी हाथ ले। उनकी कमर में लचक आ गई है, तेरी फूफी के घर गए हैं। या अल्लाह, आप फिर उन पर बैठ गई? गुल्लू ये आपके पीछे क्या है? दिखाइए। पीछे दिखाइए। क्या क्या है पीछे? पीछे बता, पीछे क्या है? पीछे आपके पीछे क्या है? आपके हाथ से कुछ गिरा, मुझे आवाज आई। क्या गिरा? कुछ नहीं। खुला रुखसार दुआ शुरू करने वाली होगी, मुझे उसे रोकना होगा, और उसके लिए चीखम चीख मकौड़ी को गुलबदन की नजरों से बचाना जरूरी है। क्या है वजीर आला? बगदाद के मच्छर भी चूहे जितने बड़े हैं। बताइए कहाँ है
महल में होंगे। अच्छा वो दरअसल वो झाड़ियां है ना, मुझे लगा वजीर आला की जुल्फे हैं। हाँ इनकी जुल्फे वैसी तो लगती हैं। अम्मी चाची जान दुआ गाने वाली हैं, चलिए आप भी चलिए। हाँ तू जा, मैं आती हूँ। अम्मी आप भी साथ चलेंगी, चलिए चलिए अम्मी चलिए। गुल्लू सुबेदार कौन है? मैं। वजीर आला का खास कौन है? मैं। आवाम किसकी तरफ इज्जत से देखती है? मेरी तरफ। कल का वजीर आला कौन बनेगा? मैं बनूंगा। तो फिर वक्त पे किसको पहुंचना चाहिए? मुझे पहुंचना चाहिए। हाय अम्मी, आप मेरे बारे में इतना सोचती हैं? अच्छा मैं चाहता हूँ आप जल्दी आ जाइएगा। तुम वक्त चिपक ही गया। अरे इन्होंने तो आज शीर कोरमा पकाया था जिसे मैं खाने वाला था, फिर खाया क्यों नहीं? मैं नहाते हुए साबुन लगाना भूल सकता हूँ, पैजामा पहनते हुए नाड़ा बांधना भूल सकता हूँ, पर खाना कभी नहीं भूल सकता। फिर आज क्या हो गया? मैं सुबह से भूखा क्यों हूँ? दुआ शुरू होने वाली है। शीर कोरमा, प्यारा प्यारा शीर कोरमा, शीर कोरमा का भैंस काली सुरमा काला, अरे कहाँ छुपाए शीर कोरमा, शीर कोरमा। कहाँ चला गया शीर कोरमा? एक तो हम सोन मीनार नहीं जा पा रहे और दूसरा मुझे शीर कोरमा नहीं मिल रहा। दप्पा शीर कोरमा? नहीं नहीं नहीं, इंसानों की तरह शराफत से खाऊंगा। शीर कोरमा। भूल नहीं कर सकता, मैं शीर कोरमा नहीं खा सकता। भूल से भी हो ना भूल, गलतियां करी कबूल, चाहतों की भूल पर पड़े ना नफरतों की धूल। जीनू बेटा, अपनू बेटा। अल्लाह मेरे मेरे रसूल, दुआए माँ की
से इसका बेटा लौटा दे। हमारे जिन्हों को उस शैतान जफर की गुलामी से आजादी दे दे मालिक। तू सिर्फ इंसानों का नहीं, हम जिन्हों का भी है। हमें आका और हम तीनों की दुआ कबूल कर ले मेरे मालिक। चौबीस घंटे पूरे होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। मैं उस बर्फीले तूफान से निजात फरमाऊं और राज़े खानात के दूसरे दरवाजे तक पहुंचाऊं, वरना कसम खुदा की तुम्हारी जिंदगी में हम तूफान ले आएंगे। मगर अका मैं कुछ नहीं, माफीनामे की पेटी जमा करके आ ले, तुम चलो। कसम सोने के शर्फियों की, बाबा मनहूस ने सही कहा था, जिसका नाम लेके तुझे तड़पाएंगे तेरी चीख सिर्फ और सिर्फ उसी को सुनाई देगी। उपसार के अलावा किसी को चीखम चीख मकौड़ी की चीख नहीं सुनाई दी। ये अम्मी को क्या हुआ, रुक क्यों गई? रुखसार अब दुआ पड़ेगी और नात नोहे गाएगी वजीरे आला की ये खास नाज़नीन। क्या हुआ आपको, क्या हुआ, बोल नहीं पा रही है खाला। खाला ये औरत बीच में रुक क्यों गई? हमारी तो किस्मत ही खराब है, एक तरफ इन लोगों के तमाशे खत्म नहीं होते और एक तरफ हमारे उस गुलाम के नहीं उस कौरे बंद हुए के नहीं, सब मिलकर हमारा वक्त बर्बाद करने में लगे हुए हैं। जाहिल खाला, कोई शाही हकीम को बुला। रुखसार दुआ गाते गाते चुप क्यों हो गई? दुआ अधूरी छोड़ना बुरा शगुन होता है। या अल्लाह, अब हमें ऊपर वाले की रहमत नहीं उसका कहर मिलेगा। उठ जा अम्मी, आकर रुक जाए। आका अगर आप अब भी अम्मी के पास चले गए तो आप सफर की नसरों में आ जाएंगे, इसलिए इसलिए मत चाहिए। या अल्लाह, ये कैसी मजबूरी है, अम्मी के पास होते हुए मैं उनके पास नहीं जा सकता, पता नहीं अम्मी को क्या हो गया। खाला, खाला। अंगूठी छाप, अम्मी कुछ बोल नहीं पा रही, मुझे उनके पास जाने दो। नहीं आका, अम्मी के पास शहजादी है, अगर आप इस हालत में उनके पास जाएंगे न सिर्फ सफर को बल्कि पूरे बगदाद को आप पर शक हो जाएगा। अपने आप को संभालिए भाई। मेरे भाई, एक साल के सब्र और मेहनत पर पानी फिर जाएगा, मान जाओ। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? आका कहाँ है? पता नहीं क्या हो गया अम्मी को, लगता है किसी ने उन पर जादू टोना किया। अल्लाह, किसने? जीनू जीन तो नहीं कर सकता, वो जादू करने के हाल में ही नहीं है, तो उस पे शक करना तो बेमतलब है। जिसने भी किया है काला जादू ही किया है, वो नजर नहीं आता,
नजर आता है तो सिर्फ उसका असर। जफर, हो ना हो ये काम इस कमीने का ही है। जफर, आज तो तू खत्म।